हिमाचल प्रदेश स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो की जिला ऊना की टीम ने मंगलवार देर रात जिला मुख्यालय के क्षेत्रीय अस्पताल में तैनात वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विपिन शर्मा के घर पर छापेमारी कर डाली। छापेमारी के दौरान डॉक्टर विपिन अपने घर पर मरीजों का उपचार करते पकड़े गए। डॉक्टर विपिन शर्मा द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस करने के मामले को लेकर विजिलेंस को लगातार शिकायतें मिल रही थी। डॉक्टर विपिन शर्मा रीजनल अस्पताल ऊना में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात है, जबकि वर्तमान में मेडिकल सुपरिटेंडेंट का कार्यभार भी इन्हीं के पास है। विजिलेंस की टीम ने छापेमारी के दौरान चिकित्सक के घर से नकदी और बड़ी मात्रा में दवाएं भी बरामद की। मामले की जांच आगे बढ़ा दी गई है, जबकि स्वास्थ्य विभाग के उच्चाधिकारियों को भी इस बाबत सूचित कर दिया गया है। इसके साथ ही बच्चों का उपचार करवाने आए लोगों को फौरन रीजनल अस्पताल ऊना भेजा गया, जहां पर तत्काल शिशु रोग विशेषज्ञ को बुलाकर सभी बच्चों को उपचार दिलाया गया। स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो के DSP अनिल कुमार मेहता ने बताया कि विजिलेंस ने आरोपी चिकित्सक के खिलाफ हिमाचल प्रदेश विशिष्ट भ्रष्ट आचरण रोकथाम अधिनियम के तहत केस दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। विभागीय कार्यवाही के लिए पूरे घटनाक्रम की जानकारी स्वास्थ्य विभाग के उच्चाधिकारियों को दी जा रही है। सर, आज जो है वो एक डॉक्टर के घर में रेड की गई, अब क्या पूरा मामला, क्या कार्रवाई की जा रही है? एक डॉक्टर का डिस्चार्ज है जो बच्चों का इलाज करते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में कार्यरत है। हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी कि ये अपने सरकारी कार्य करने के बाद घर में प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, तो उस संदर्भ में हमने आज अचौक निरीक्षण किया था। इसके उपरांत यहाँ पे हमने पाया काफ़ी सारे बच्चे दो ये लेने आए हुए थे, तो उस संदर्भ में आगे कार्रवाई की जा रही है। लाइव टाइम्स TV के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हाय मेरी जान, मम्मा आई वांट चॉकलेट। No skills are, these fake MCs gonna take back seat. I'ma kill this beat, yeah we got that shit, we play hard, play smart, I'ma hide on the boss like John Carter. मैं जब इंडिया में आया था, हाँ, एक प्यारी पूरी से लड़की मेरा दिल चुरा लिया। Just dedicating that specific girl whom I like, whom I wanna be my girlfriend, but she's the one who's neglecting me. मेरे को एक भी बात समझ नहीं आई।